क्या कर रहे हो नानी की? आज मैं बना रही हूँ लौकी का पुलाव। हर्ष ने लाइफ में 2 या 4 बार लौकी खाई होगी, आज मैं उसको खिलाऊंगी, पता भी नहीं चलेगा। बहुत ही अच्छे बने हैं। गुड मॉर्निंग, बोलो गुड मॉर्निंग। हाथ जोड़ो और बोलो गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? अच्छे हो? गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल एवरीवन। हैप्पी न्यू ईयर। आज बोले का स्कूल चालू हो गया, मैं छोड़ने जा रही हूँ और वहाँ पे नेचर वॉक के लिए मुझे कुछ सामान भी लेना है, तो मेरा हो भी जाएगा। हाँ जी, कहाँ पर कॉकरोच है? कहाँ पर? देखो ऊपर। ऊपर कहाँ? कहाँ पे कॉकरोच है? गजब डुबीवाज आदमी। विशाली आंटी को कैसे जय श्री कृष्णा करोगे? जय श्री कृष्णा कैसे करोगे? स्माइल कैसे करोगे विशाली आंटी को? प्यारा कैसे बनोगे? हाय, ऐसी प्यारा बनोगे? पहले तो जैस्मिन आई लव यू सो मच। इतने लोग तुमको प्यार करते हैं ना, हमारे मीडिया वाले दादा रोहित दादा मुझे मिले यहाँ पर और हम बातें कर रहे थे, सडनली तुम्हारी बात आई। इतनी तारीफ तो तुम्हारे पापा भी नहीं करते होंगे जितनी उन्होंने कर दी। बताओ भाई जैस्मिन का, जैस्मिन अच्छी लगती है ना आपको? जैस्मिन बहुत अच्छी लगती है, बहुत कहते हैं उसका एटीट्यूड भी बहुत अच्छा, काम भी बहुत अच्छा, और आने वाली क्या है वो पंजाब के नेक्स्ट सुपरस्टार। ये दुआएं सब कुछ होती है पता, मैं भी यही कहती तू आने वाली सुपर, आने वाली नहीं मेरे लिए तू हो गई सुपरस्टार यार, मेहनत करती रह लेकिन गिफ्ट देने मत भूलना, ठीक है? गोले का फर्स्ट डे था और आज हम इसको मैरियट ले आए क्योंकि मैरियट इसका फेवरेट होटल है, इसमें इसने वो ऑरेंज वाली फिशेस देखनी है। गोले गोले ऑरेंज वाली फिशेस देखे? अरे नीचे उतर जाओ, नीचे उतर जाओ, चलो आ जाओ आ जाओ। आजो दीदी, पूरी रील बना के जाएगी। आजो आजो आजो, ये देख लो ये देख लो, ये क्या हो रहा भाई? एक कुत्ते ना लगा, एक बच्चे ना लगा होया। ये कैसी शरारत है? अरे रब्बा, की हो रहा भाई? अरे कौन अच्छा लगता है बूरा के गोला? पढ़ते उन प्यार कर दी बुरा है। अरे पापा ये तो सबसे बुरा है, ये तो सबसे बुरा है, सबसे प्यारा है, सबसे बुरा है। बाबा ये तो सबसे प्यारा है बोला। कहाँ पे? राजा राजा ये राजा बुरा राजा। है? ये क्या बात हुई? गाइस ये बुरा मेरी बहन को ज्यादा प्यार करने लगा है। ले जा पिंकी नो मेरे नाम। ये देखो यार उड़ उड़ के छलांगे मार दे पिंकी एक दूसरे के ऊपर। बुरी बुरी इधर आओ, इधर आओ बुरी, बुरी वो देखो, बुरी वो देखो, बुरी वो देखो। ये देखो भाई। ये दोस्तों हमने, मैं फिर से याद दिला दूं, मिनिएचर पुडल लिया था, मिनिएचर इतना सा जो होना था लेकिन ये इतना ही हो गया, बहुत बड़ा हो गया। बुरा सबसे बुरा है, बुरा सबसे प्यारा है। हाँ यार आज का दिन भी निकल गया, कुछ नहीं किया, बहुत सारे काम है, नया ऑफिस बन चुका है, उसका फर्नीचर देखना है, इंटीरियर वाले को भी बुला के सब दिखाना है क्योंकि हर्ष का रूम बनना है अभी, पॉडकास्ट रूम तो चलो बन ही रहा है, सेट तैयार हो रहा है नया वाला, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों को ख़रीदनी है। अब मेरे को टेंशन हो रहा है, नया साल भी आ रहा है और ऑफिस डिले पे डिले होता जा रहा है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें फिर डिले हो जाएंगी अगर ऑफिस हुआ, बहुत सारे शोज़ हम जो प्लान कर रहे हैं
यूट्यूब के लिए, वो भी सब डिले हो जाएंगे। बट अब मुझे और हर्ष को हमने फैसला किया है कल के बाद वही एक टाइम टेबल बनाएंगे जिसपे 2 घंटे हमको बैठना है और 4 घंटे बाजार जाना ही जाना है, क्योंकि तभी पूरा हो पाएगा वरना नहीं हो पाएगा। मुझे लगता है आइकिया में एक चक्कर लगाना चाहिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें आइकिया से मिल जाएंगी या हम बुक भी करवा सकते हैं जो बाद में आ जाएंगी। सो देखते हैं, प्लान बनाते हैं क्या है। दोनों ऑफिस का अच्छा सा टूर देंगे जब नया बन जाएगा। लेकिन हाँ, बहुत काम है, बहुत। जो हमारे ब्लॉग देख रहे हैं, कोई अच्छे इंटीरियर हैं तो हमें प्लीज़ मैसेज, इंटीरियर वाले हैं जिन्होंने इंटीरियर के अच्छे अच्छे कोर्स किए हैं, वही होता है ना, हमें यहाँ प्लीज़ मैसेज करना, आप बताना अगर आप हमारी हेल्प कर सकते हैं तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी। यार मेरी मम्मी बोलती रोज़ रोज़ नहीं आया जाता यहाँ पे, मशीन लेके दो। तो मैं अमेज़ॉन से मशीन ऑर्डर कर रही हूँ, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। प्लीज़ अपने मम्मी डैडी के लिए ज़रूर ऑर्डर कीजिए, ये बहुत अच्छी है। आपका ब्लड प्रेशर भी ये नॉर्मल रखते हैं, बीपी भी सेम ही हो गया, शुगर भी, और बहुत सारी चीज़ें। हर्ष प्लीज़ यार मेरी मम्मी के लिए ऑर्डर कर दे, मम्मी कहती रोज़ रोज़ नहीं आया जाता। हर्ष तू पहले ऑर्डर कर यार। हर्ष बता ना। मैं सबको इसलिए बोल रहा हूँ, ये भी लोग, इसको तो अक्ल नहीं है। हाँ मुझे अक्ल नहीं है। गाइस वही अब देखो, मुझे समझा रहा है। सो गाइस लड़का छा रहा है और लड़के का नया शो आ रहा है मार्केट पे। सो क्या आप अपने शो का प्रचार, ऐसे नहीं करना, अच्छे से प्रचार करो। इंडियाज बेस्ट डांसर वर्सेस सुपर डांसर चैंपियंस का टशन आ रहा है जल्द सोनी टीवी पर, देखना ना भूले। और हाँ, उसमें लड़ रहे हैं दोनों शो, शो से मुकाबला होने वाला है शो का। अड़ गया क्योंकि टेलीप्रॉम्प्टर नहीं था ना दोस्तों, ये कर रहा है शो जिसकी टी शर्ट पे दाग लगा हुआ है, दाग। अरे हम तो गरीब है। सो गाइज आज का शो आ रहा है, बहुत ही माइंड ब्लोइंग शो है, मतलब फाइट होने वाली है दो शोज के बीच में, सुपर डांसर और आईबीडी के बीच में। जजेस भी माइंड ब्लोइंग है, मलाइका मैम, मलाइका मैम, रेमो सर और गीता माँ यार, और होश तो है ही अपना लड़का। सो एवरी सैटरडे संडे जरूर देखिएगा, और लाफ्टर शेफ भी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा, वो भी देखना है। हुआ तो नहीं ना, होया तो नहीं ना दोस्तों, जो हुआ है वो देखो, बहुत एंटरटेनिंग शो है गाइस, बहुत मजा। लाफ्टर शेफ जरूर देखिएगा गाइस, लाफ्टर शेफ एक दिन जरूर शुरू होगा, तब मैं चिल्ला चिल्ला के उसका प्रमोशन करूंगी, प्रचार करूंगी चीख चीख के कि लाफ्टर शेफ शुरू हो रहा है। तो चलिए जी, इधर हो रहा है मसाजो मसाजी माहौल, और हम इधर चलते हैं मनीषा के पास। तो मनीषा को पूछेंगे कि मनीषा क्या है, वैसे तो पूछने का मतलब नहीं क्योंकि एक ही जवाब आएगा कि खाने में दीदी दाल चावल। क्यों ऐसा करती है? वही है तो क्या बनाऊं, अभी वही बनाऊंगी। हाय हाय मनीषा ऐसे करेगी, कभी नहीं बोलती कि दीदी आज पुलाव है, आज कुछ ऐसा है, आज कुछ मिक्स वेज है, कुछ ऐसा कोफ्ते है, चिली चीज, चिली पनीर, दाल चावल ही अच्छा है। दाल चावल ही अच्छा है, नहीं नहीं कुछ तो करेंगे भाई। सेवा कर रहे हो गोले? गोले भी दबाता है। हाय हर्षु, सेम वैसे कर रहा भाई। ब्लैक भी है। हाँ वो पैर घुमाए ना नानी ने वहाँ पे। हाँ अब क्या कर रहे हो नानी की? सेवा। संस्कार उससे बड़े हैं इसके। हाय पूरा कर रहा हर जैसे तुम करता है ना। आपको गोल गोल नानी आप गोल गोल घुमा रहे थे। हाँ। अच्छा आपको क्या लग गया था? गोल गोल वाला क्या लग गया? मेरे को चोट लग गई थी यहाँ पे। तो चलिए जी, आज हमारे घर में बिल्कुल भी मनीषा के वो बोरिंग दाल चावल नहीं बनेंगे। आज मैं बना रही हूँ लौकी का पुलाव, जो आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी मैं,
मैंने एक बार बनाया कुछ अलग तरीके से, लेकिन आज कुछ अलग तरीका ट्राई कर रहे हैं तो वो आपको दिखाते हैं। चावल में ना लौकी पता ही नहीं चलता एक तो पहली बार, तो गोला भी खा लेता है। और हर्ष ने लाइफ में मतलब अभी हो गया वो 33 साल का, तो उसने कुछ 2 या 4 बार लौकी खाई होगी, लेकिन आज मैं उसको खिलाऊंगी तो पता भी नहीं चलेगा। करते हैं फिर ये कांड। चलिए जी, लौकी हमारी हो चुकी है, इसको निचोड़ के पानी निकालेंगे। तब तक हम इसको, अरे इसका एक हाथ कब हुआ ये? कल हुआ। अरे भाई हमारा पतीला लूला हो गया। ओ यार इसका हाथ कब खोया इसने अपना हाथ? ही कल चार। अरे बाप रे, इसने बहुत साथ दिया यार हमारा, बट मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी जब तक तुम्हारा दूसरा हाथ नहीं टूट जाता। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो। चलिए जी गैस बालते हैं। मुन्ना के गांव से घी आया था उड़ीसा से, तो एक दो दिन से हमने ये खोला हुआ, बड़ा अच्छा यार। चलो जी, इसमें है हमारा जीरा, अजवाइन और खड़े मसाले, लौंग, काली मिर्ची, दालचीनी और काली इलायची। अब हम सबसे पहले इसमें डालेंगे। मनीषा दीदी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी प्याज डाल देंगे दीदी। चलिए जी अब डालेंगे हम खड़े मसाले ताकि ये फटे ना। सॉरी गाइस, ये गया भाई लहसुन। क्या हुआ मुन्ना भैया? मुन्ना भैया बड़े दिन हो गए, तुमने भी कुछ बना के नहीं खिलाया। मुन्ना भैया सोच रहा पखाल बात आप लोग खा चुके हैं। जो हाथ से खाएगा वही उड़ीसा जा सकता है। लहसुन ब्राउन हो रहा है। मुन्ना चाइनीज बहुत अच्छी बनाता है ना मुन्ना? बनाएगा किसी दिन अच्छी चाइनीज? ठीक है। थोड़ा सा सूखा धनिया, जीरा पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च का अच्छी खुशबू आ रही है देसी घी की। और चलिए मनीषा जी, हमारे इनमें से रस निकल चुका है, बाकी मनीषा निकाल रही है। अच्छी खासी लौकी है भाई, पकड़ी ना जाऊँ कहीं मैं। ये मेरे सीक्रेट राइस है जो हर्ष को पका रही है, वरना वो दाल चावल की उम्मीद लगा के बैठा हुआ है। चलिए जी, काफ़ी हद तक हमारी लौकी बन चुकी है। अब हम इसमें मिलाएंगे राइस। पहले हम इसमें डालेंगे गर्म पानी, थोड़ा उबलेगा पानी, और फिर राइस। मैं पानी कम डालूंगी क्योंकि ऑलरेडी लौकी भी पानी छोड़ेगी इसीलिए। चलिए जी, उबाला आ चुका है, अब राइस डालने का टाइम है। एक दाना डालना, एक अगले चरण में, वरना भात हमें लात मारेगा। तो चलिए जी, हमारे राइस तैयार हो चुके हैं। अब मैं मनीषा से रिक्वेस्ट करूंगी हाथ जोड़ के कि प्लीज वो अदरक और धनिया इनसे गले मिलवा दे। वाह क्या खिले खिले राइस बने हैं। बादे गुड़िया दिल खोल के बादे, जरा भी शर्माना नहीं और घबराना नहीं, सजाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसको मैं किकली डलवाने वाली हूँ, मतलब घुमाने वाली हूँ। भाई सजाती है, ओ फूड ब्लॉगर, ओ बाप रे। गाइस मैंने ना चम्मच के ऊपर थोड़े दो दाने लगे थे, मैंने वो खा लिए, बहुत ही अच्छे बने हैं, और ज़रा भी पता नहीं चल रहा कि लौकी है बीच में। लाइए दीदी चम्मच। Thank you.
क्या हंस रही है? मैं अपने हाथ को चूम रही हूँ। इतने अच्छे चावल बनाए यार, जरा भी लौकी है समझ ही नहीं आ रही। खिलाओ बच्चों को, मैं तो कभी बिना बताए लौकी का पुलाव माइंड ब्लोइंग है यार। चलिए जी, आज का कॉल चल रहा है, खाते हैं अभी खाना और बस ब्लॉग को एंड करते हैं। जिसने चैनल अभी तक हमारा सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। गुड रेसिपी ना ट्राई ज़रूर करना और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि बकवास थे या माइंड ब्लोइंग थे। बाय बाय। बोले तू भी चिपक जा मासी को, चलती चिपक जा, चलती चिपक जा मासी को।